चले जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? मशीन लर्निंग की जो ये ब्रांचेज हैं, ये एरियाज हैं, ये क्लियर है? अगर इनमें से सारे मतलब जो एग्जांपल्स है वो समझ नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरियाज एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि एरियाज क्या है। और रिइंफोर्समेंट की एग्जांपल्स रह गई, जैसे वो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है, रोबोट नेविगेशन है, ऐसे जितने भी टास्क जिनमें कंटिन्यूस लर्निंग की जरूरत है बेसिकली, वहां पे आप ज्यादातर रिइंफोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई करते हैं। इसकी भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको यूज करते हुए रिइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई कर जाती है। क्यू क्यू लर्निंग है, और भी डिफरेंट लर्निंग है, क्यू लर्निंग है, और रिइंफोर्समेंट बेंडेड आर्म प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम है जिनको यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन आप नेक्स्ट क्लास में देना चाहे नेक्स्ट क्लास में दे दें, नेक्स्ट क्लास से देना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्लास में कोर्स इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद अगर जितना टाइम मिलेगा हमें, अगर क्लास कोई बचती है हमारी एक आध, तो उसमें हम एवेल्यूएशन करेंगे, कोर्स एवेल्यूएशन, वो प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन ही होगा इंशाल्लाह। ट्रेनिंग में गलती होगी ऑब्वियसली, जहां पे उसको प्रोसेस किया जा रहा है वहां पे कोई गलती होगी, डेटा को जो उसको पास किया जा रहा है वहां पे कोई गलती होगी। अली सलमान बोलो क्वेश्चन। पूरा प्रोजेक्ट समझाओ ना, वीडियो बना के थोड़ी भेजनी है पूरा प्रोजेक्ट। जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ, जैसे क्लास में लेक्चर दे रहा होता हूँ, ऐसे आप लोग भी प्रेजेंट करोगे, उसमें से जितने स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते होंगे हो जाएंगे, जो नहीं भी होंगे तो वो मसला नहीं है। जिसके जिसका प्रोजेक्ट होगा डेमोन्स्ट्रेशन, एटलीस्ट वो ग्रुप तो होगा। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन, ऑलरेडी इस पे मैं से बात कर चुका हूँ। रिग्रेशन हमेशा कंटिन्यूस डेटा पॉइंट्स के ऊपर होती है। अगर ये जो डॉट्स बेसिकली आप देख रहे हैं डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो रिग्रेशन हमेशा कंटिन्यूस पॉइंट्स के ऊपर होती है। जबकि क्लासिफिकेशन का काम होता है कि डिस्टिंक्ट जो गैप है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना, और उस गैप के ऊपर बेसिकली काम करना। या उस अगर मिसाल के तौर पे मेरा डेटा है उसमें दो क्लासेस हैं, या मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो बेसिकली दिस टास्क इज क्लासिफिकेशन टास्क। ठीक है, कि ऐसी ऐसा डिफरेंस मुझे या ऐसा पॉइंट मुझे फाइंड करना है जहां पे मैं दो क्लासेस को बिल्कुल अलग अलग कर सकूं। ठीक है, तो रिग्रेशन हमेशा कंटिन्यूस डेटा पे होती है, क्लासिफिकेशन डिस्टिंक्ट डेटा या डिस्क्रीट डेटा के ऊपर अप्लाई होती है। ये scikit-learn बेसिकली लाइब्रेरी है जिसके अंदर तकरीबन जितनी भी हमने अप्रोचेस पढ़ी उनके सबके एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। क्लासिफिकेशन के भी हैं, क्लस्टरिंग के भी हैं, रिग्रेशन के भी हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के भी हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास एल्गोरिथम्स हैं, कुछ डेटा सेट्स भी फ्री अवेलेबल हैं इसके अंदर। एक आयरिस का डेटा सेट है मशहूर ज़माना, उसमें चार फीचर्स हैं, उन फीचर्स के ऊपर बेसिकली आप प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा फ्लावर है। वो हम जब एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो उसमें इस चीज को देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। मशीन लर्निंग का प्रोसेस जो है, जब भी आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसकी एक पाइपलाइन होती है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डेटा गैदरिंग एंड प्री प्रोसेसिंग होता है। डेटा को जमा करना और उसको ऐसे फॉर्मेट में लाना कि वो एल्गोरिथम को पास किया जा सके। मिसाल के तौर पे डेटा गैदरिंग, अगर मैं कैट एंड डॉग वाली एग्जांपल ही ले लूं, उसी को इसमें मैप कर लूं, तो कैट एंड डॉग की इमेजेस जो कलेक्ट करना है फ्रॉम इंटरनेट या फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दिस स्टेप इज डेटा गैदरिंग। अब प्री प्रोसेसिंग क्या है कि ऐसी इमेजेस जिसके अंदर कैट एंड डॉग की इमेज क्लियर ना हो या ब्लर्ड हो या कुछ और मसला हो या टिल्टेड हो, तो उस इमेज को प्री प्रोसेस करके हटा देना। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जब डेटा आपके पास आ गया, प्री प्रोसेस आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो काम होता है वो फीचर इंजीनियरिंग होता है। फीचर इंजीनियरिंग इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप।
है, फीचर इंजीनियरिंग में आप ये बताते हैं कि वो कौन से फीचर्स होंगे जिनकी बेस के ऊपर आपका एल्गोरिथम डिसीजन लेगा, यानी कि वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिनकी बेस के ऊपर आप ये फैसला करेंगे कि ये कैट है या डॉग है, मिसाल जो कैट एंड डॉग की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो कौन सी क्वालिटीज होंगी जिनको देख के आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, दैट स्टेप इज बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग। डिसीजन एल्गोरिथम, अगर क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम होगा यहाँ पे, अगर रिग्रेशन का काम कर रहे हैं रिग्रेशन का होगा, रिइंफोर्समेंट लर्निंग का काम है तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिथम होगा, अनसुपरवाइज्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अनसुपरवाइज्ड डिसीजन एल्गोरिथम होगा। सबसे पहले एल्गोरिथम को चूज करने के बाद उसके उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए इस डेटा के ऊपर ट्रेनिंग की जाएगी, देन उस डेटा को टेस्ट किया जाएगा। नॉर्मली इस जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, वो 70-30 के रेशो में किया जाता है, इसको टेस्ट ट्रेन स्प्लिट भी कहा जाता है, ठीक है। एक ट्रेनिंग सेट या वैलिडेशन सेट होता है, एक ट्रेनिंग सेट होता है और एक टेस्टिंग सेट होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग करने के बाद एल्गोरिथम आपका जब ट्रेन हो जाता है उसके बाद फिर आप उसको टेस्ट करते हैं कि आइदर ये मेरा एल्गोरिथम जो मैंने ट्रेन किया ये सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा। मिसाल के तौर पर इसी पाइपलाइन के ऊपर एक टेक्स्ट की एग्जांपल को भी मैप कर ले। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक न्यूज हेडलाइन लिखी हुई है तो उससे मुझे पता चल जाए कि हेडलाइन किस चीज के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में है, इंटरनेशनल न्यूज है, कोई और न्यूज है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि न्यूज डिफरेंट सोर्सेज से जमा करना, ठीक है। उसके लिए मैंने मिसाल के तौर पर डेटा स्क्रैपिंग कर ली। डेटा स्क्रैपिंग ये होती है कि डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा को कॉपी कर ले अपने पास, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अप्रोचेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको यूज करते हुए ये काम किया जाता है। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग होगी। फीचर इंजीनियरिंग में आप बेसिकली क्लासेस बताएंगे कि कौन कौन सी क्लासेस हैं और कौन कौन सी वैल्यूज की बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि ये न्यूज स्पोर्ट्स की है या ये न्यूज इंटरनेशनल है या ये न्यूज किसी और चीज के बारे में। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स की अगर न्यूज होगी तो उसमें फुटबॉल, क्रिकेट या स्त्री या कोई ना कोई कीवर्ड आ रहा होगा, ठीक है, या खिलाड़ी, प्लेयर या इस टाइप का कोई या रेसलर या इस टाइप का कोई कीवर्ड आ रहा होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कीवर्ड्स की एक डिक्शनरी बना लें और उस डिक्शनरी से बेसिकली ये फैसला कर लें कि ये जो न्यूज़ है ये किस कैटेगरी की है। ये एक ऐसी हिंट दे रहा हूँ, और भी तरीकेकार है। उसके बाद आपने एल्गोरिथम चूज कर लिया कि इस एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम है। इत्तेफाकन ये प्रॉब्लम भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो इसमें भी कोई भी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम आप अप्लाई कर सकते हैं, देन उसको ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके एल्गोरिथम कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक। इस तरीके से ये एक और तरीका है पाइपलाइनिंग है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप काम करते हैं तो आप प्रीप्रोसेसिंग करते हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन है, डायमेंशन रिडक्शन है, जो भी काम करना है उसके पास लर्निंग है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज जो भी लर्निंग अप्लाई करनी है, उसके बाद उसकी एनालिसिस के जो आपका एल्गोरिथम है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर फेज टू ये होता है कि जब आपका एक दफा मॉडल बन जाता है फिर न्यू मॉडल के ऊपर, न्यू डेटा के ऊपर सॉरी, उसको टेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर उससे फिर प्रिडिक्शन करके उसे फायदा हासिल किया जाता है, यहाँ जहाँ जिस डोमेन में उसे आपने अप्लाई करना है तो वहां पे अप्लाई किया जाता है। डेटा कैन बी एनीथिंग, डेटा कैन बी वॉइस, कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कैन बी टेक्स्ट, कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू थ्री थिंग्स, ठीक है। मिसाल सबसे पहला जैसे आपके पास डेटा होता है वो हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। फीचर इंजीनियरिंग की पाइपलाइन को और ओपन किया है तो रॉ डेटा नॉर्मली यूजफुल नहीं होता। इसको यूजफुल बनाने के लिए आपको इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, उसकी अप्रोचेज हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, या आप फीचर खुद सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये फीचर्स हैं मैं इनको यूज करूंगा और इस इनकी बेस के ऊपर मैं वैल्यूज को फाइंड करूंगा। मिसाल के तौर पे आपका एक डेटा है और उसमें से आप उस डेटा से आप ये बेसिकली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कितने लोग मोटे हो रहे हैं या कितने लोगों का वेट ओवर वेट है, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो फीचर होगा हो सकता है वही हो सकता है कि आप उस बंदे की हाइट और उसका वेट इसका कोई रेशियो ले लें और उसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन ले लें कि आइदर ये जो पर्सन है ये ओवरवेटेड है या नहीं है। तो इस तरीके से फीचर्स बेसिकली आप खुद भी ले सकते हैं, कुछ एल्गोरिथम भी हैं जिनको यूज करते हुए फीचर एक्सट्रैक्शन की जाती है और उनकी बेस के ऊपर देन फिर आप अपना फाइनल एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। ये चीज क्लियर है फीचर इंजीनियरिंग वाली बात? ठीक है,
डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है ये, उसका एक छोटा सा वैसे मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि ये इस पे चलेगा नहीं। मिसाल के तौर पर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है, ठीक है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर ये काम है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये डिफरेंट आपके पास लीव्स थे, ठीक है, तो सबसे पहले तो लीव्स रैंडमली थे, फिर इसने एक क्लास में उसको तोड़ा, फिर फर्दर और क्लास में तोड़ा, जब तक तोड़ता रहेगा जब तक आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल दो क्लासेस में या जितनी क्लासेस के लिए आप उसको बना रहे हैं वो बेसिकली हो ना जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए आपका डेटा, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्रेशोल्ड हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस थ्रेशोल्ड की बेस के ऊपर डेटा आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। इस थ्रेशोल्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, डिसीजन एल्गोरिथम ट्री एल्गोरिथम जब अप्लाई करते हैं उसकी कैलकुलेशंस हैं, उसके बेस के ऊपर ये बेसिकली लगा रहा होता है, ठीक है। मतलब ये 0.5 अपनी मर्जी से कहीं से उठ के नहीं आ गया, ये एक मतलब सर्टेन कैलकुलेशंस है, ठीक है। लेकिन अभी कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बिहेवियर बेसिकली देख रहे हैं हम लोग। तो आप ये समझ लें कि आप अपने डेटा को जब तक ब्रेक डाउन करते रहेंगे जब तक वो डिस्टिंक्टली टू क्लासेस के अंदर सेपरेबल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्लासेस के साथ काम कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं और जैसे ही खत्म हो गया तो वहां पे हमने एल्गोरिथम हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है डिसीजन ट्री का वो असेंबली लर्निंग है, रैंडम फॉरेस्ट उसकी एक अप्रोच है। असेंबली लर्निंग, असेंबली मीन्स टुगेदर, ठीक है, यानी डिसीजन ट्रीज को मिला के हम लोग बेसिकली डिसीजन ले रहे होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें आप 100 या थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन ट्रीज को मर्ज करके उन की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3 डिसीजन ट्रीज दिखाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस डिसीजन ट्री ने कहा ये जो लीव आ रहा है वो क्लास ए को बिलोंग करता है, इसने कहा ये क्लास बी को बिलोंग करता है, और इस वाले ट्री ने कहा ये क्लास बी को बिलोंग करता है। तो आपने मेजोरिटी वोटिंग की बेस के ऊपर फाइनल क्लास बता दी कि भाई ये क्लास बी को बिलोंग करता है, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन ट्रीज ने ये कहा कि ये जो लीफ है जिसकी इमेज मिली है जिसका डाटा मिला है वो बेसिकली क्लास बी को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप डिसीजन को आसान कर रहे हैं। एक वोटिंग अप्रोच होती है, एक और अप्रोच होती है, इसको बैगिंग कहा जाता है, ठीक है। बैगिंग और वोटिंग अप्रोच दोनों चलती है, ये मेजोरिटी वोटिंग अप्रोच अप्लाई की है यहाँ पे उन्होंने, ठीक है। इसी तरीके से एक और एल्गोरिथम है जो कि मशहूर भी है और क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डेट इज SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन इसकी अगर फुल फॉर्म कही जाए तो इसकी सपोर्ट वेक्टर मशीन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी डेटा को सेपरेट कर और मैक्सिमम मार्जिनल क्लासिफायर भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ये एल्गोरिथम करता है क्या है कि जो भी आपके डेटा है, ठीक है, उनके ऊपर एक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेता है जिनके बेस के ऊपर ये चूज करता है कि मुझे डेटा को ब्रेक डाउन कहाँ से करना है, ठीक है। इसके लिए भी कैलकुलेशन होती है अगेन, और उसके थ्रू ये काम कर रहा होता है, ठीक है। SVM के बारे में एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, SVM को कर्नल मेथड भी कहा जाता है। कर्नल मेथड क्या करते हैं, कर्नल मेथड्स ये काम करते हैं, या SVM स्पेसिफिकली ये काम करता है कि अगर आपका डेटा लो डायमेंशन के अंदर है यानी 2D स्पेस के अंदर है, तो SVM क्या करेगा उसको 100D स्पेस में ले जाएगा। उसके बाद आपके डेटा जब 100D स्पेस में उस चीज को लेकर जाएगा तो स्पेस क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो आपके डेटा पॉइंट्स क्लियरली दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। उस हायर स्पेस के अंदर फिर वो आपके डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करेगा, यानी जो भी उनकी क्लासेस हैं उनको सेपरेट करेगा, और देन डायमेंशन रिड्यूस करके दोबारा आपको फाइनल रिजल्ट बता देगा कि ये आपकी दो क्लासेस हैं और ये उनका गैप है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये चीज बेहतर नजर आ रही है, ठीक है। इसकी वीडियो भी प्ले कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये देखो।
है, तो ये देखो इसने इसको इजीली सेपरेट कर लिया, पहले लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में लेके गया, हायर डायमेंशन पे जाके उसको ब्रेक डाउन किया डेटा को, ठीक है, और या क्लास में उसको कट डाउन किया, और उसके बाद दोबारा उसको लोअर डायमेंशन में ले आया। तो इस SVM बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं, और SVM क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के अंदर भी यूज किया जाता है, दोनों में यूज किया जाता है। वन ऑफ द क्लासिकल एल्गोरिथम है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले एल्गोरिथम्स में से एक एल्गोरिथम है। इस तरीके से क्लस्टरिंग की अप्रोच है ये, ठीक है, एक ही मीन एल्गोरिथम अप्लाई किया है इन्होंने, ठीक है, मीन एल्गोरिथम ये काम कर रहा है बेसिकली सेंट्रोइड्स जो उसके सेंटर्स को फाइंड कर रहा है, और उसकी बेस के ऊपर फिर प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन से डेटा पॉइंट्स किस क्लस्टर का पार्ट होंगे। तो चार क्लस्टर्स इसने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, जबकि मीन एल्गोरिथम हम लोग चलाते तो उसकी के की वैल्यू हमें, यानी क्लस्टर्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती है कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे, यहाँ चार बना रहे हैं तो हम चार, अगर पांच है तो पांच जो भी वैल्यू हम दें, ठीक है। इसी डायमेंशन रिलेटेड रिडक्शन के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, PCA है, RML है, HGN LLE है, LLE है, आइसोमैप है, लैप्लेशियन है, डिफ्यूजन मैप है, LSST है, LSLTSA है, इसको स्विस रोल एल्गोरिथम भी कहा जाता है, डिफ्यूजन मैप को, इसका जो स्टाइल है उसकी वजह से जो ये मैप बनाता है, ठीक है, ये भी डायमेंशन रिडक्शन एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, कि ऐसी डायमेंशन अगर दी हुई है तो इनको रिड्यूस करके ये डिफरेंट स्टाइल से बेसिकली उसको मैप कर देते हैं। हमने 1950s से अगर टाइमलाइन पूरी देखी जाए तो 1950s से AI का बूम स्टार्ट हुआ, और 2010 और उसके बाद से अभी तक 2008 से तकरीबन या 6 से डीप लर्निंग का बूम चल रहा है। तो मशीन लर्निंग की सब ब्रांच, सॉरी AI की सब ब्रांच मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग की सब ब्रांच या सब एरिया आपका डीप लर्निंग है, ठीक है। अगर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को एक कंपैरिजन के स्टेंस में देखा जाए, ठीक है, तो मशीन लर्निंग वे क्या है कि आपका जो डेटा है उसको एनालाइज किया जाए, मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन की जाए, उसके बाद क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करके आप फाइंड कर लें कि आयरिस को देख के आइडेंटिफाई कर लें कि बंदा कितना थका हुआ है, उसके लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लें। इंस्टेड डीप लर्निंग वे क्या है कि आप डेटा दें, न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करें, वो न्यूरल नेटवर्क खुद फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए डीप लर्निंग को फीचर एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, खुद फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और उसकी बेस के ऊपर आपको टायर्डनेस बता देगा कि आप का जो पर्सन है वो कितना टायर्ड है, ठीक है। तो डीप लर्निंग अप्लाई करने में आर्किटेक्चरली कॉम्प्लेक्स कम होता है, लेकिन कंप्यूटेशनल पावर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा चाहिए होती है, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है डीप लर्निंग के अंदर। इसी तरीके से CNN है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको कहा जाता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली काम कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे एक सिंपल एग्जांपल दिए साइन बोर्ड की, ठीक है, तो साइन बोर्ड की को देखते हुए ये बताना है कि साइन बोर्ड के ऊपर स्पीड क्या लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे ये एक सिनेरियो है जहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं जो साइन बोर्ड्स को डिटेक्ट करेगी, उसकी बेस के ऊपर अपनी स्पीड को मेंटेन करेगी। तो मिसाल के तौर पे 32x32 पिक्सल्स की आपको इमेज दी हुई है, आपने सबसे पहला काम क्या किया, कॉन्वोल्यूशंस में इसको ब्रेक कर दिया, 5x5 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दी। 5x5 की कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या है, 5x5 की कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये है कि आप इस इमेज को, ये जो आपको इमेज दी हुई है, आप इसको ब्रेक डाउन कर दोगे, इसके ऊपर एक स्कैनर बनाओगे जिसको कर्नल कहा जाता है, या फीचर एक्सट्रैक्टर भी कह सकते हैं, या कर्नल ज्यादा बेहतर वर्ड है, कर्नल यूज किया जाता है, तो कर्नल बनाएंगे, वो कर्नल बेसिकली इस पूरी इमेज के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है, यानी इस कॉर्नर से, मैं इसका लेजर ऑन कर लेता हूँ 1 मिनट, उससे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका कॉन्वोल्यूशनल लेयर जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो इमेज होगी इसके ऊपर एक आप 5x5 का कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे, तो क्या होगा कि 5x5 का एक फिल्टर बनेगा जो कि इस पूरी इमेज को स्कैन करेगा 5x5 के पिक्सल्स को लेके, ठीक है, यानी 32x32 है ना, तो ये 32x32 को कट डाउन करके, रिड्यूस करके 28x28 में ले आएगा स्कैन करके। तो इसकी जो साइड की ये जो एरियाज हैं, ठीक है, इनको ये क्रॉप कर देगा एक तरीके से,
ये स्किप हो जाएंगे। उसके बाद जब कॉन्वल्यूशन अप्लाई हो गए, उसके बाद आपने पूलिंग अप्लाई करें, सबसैम्पलिंग अप्लाई करें, जो भी अप्लाई करें सबसैम्पलिंग से, पूलिंग यहाँ पे भी इसने कॉन्वल्यूशन ही अप्लाई करी है 2x2 की, फिर इसने 5x5 को और छोटा करके और फिल्टर बना दिया, उससे और उसको फिल्टर आउट कर लिया। उसके बाद फिर क्या किया, फिर 5x5 की कॉन्वल्यूशन लगाई। तो ये जो एक लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है जो इस जा रही है, इसको एक नॉर्मल लेयर कहा जाता है। जबकि ये लेयर, ये जो सारी इमेजेस हर नेक्स्ट लेयर के पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको फुली कनेक्टेड लेयर कहा जाता है या हिडन लेयर कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये हिडन लेयर है बेसिकली, यहाँ पे आपका कह लें एल्गोरिथम या न्यूरल नेटवर्क असल लर्निंग कर रहा होता है। तो इसमें वन हिडन लेयर यूज हो रही है, वैसे तो लेयर 1, 2, 3, 4 लेयर्स यूज हो रही है इस नेटवर्क के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर आर्किटेक्चर में आपके। उसके बाद फिर फाइनली डिसीजन है लास्ट में, ठीक है, कि आइदर ये स्पीड साइन बोर्ड में स्पीड क्या है, तो 60 थी तो 60 यहाँ पे वो हो गया, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली कॉन्वल्यूशन न्यूरल नेटवर्क फिल्टर करते हुए आपके डेटा को बेसिकली जो एक्चुअल डेटा है उस पर आपके फीचर को आइडेंटिफाई करता है। और इस सारे काम को करने के लिए आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, आपको बस ये पता ना होता है कि कितने कौन सी लेयर अप्लाई करनी है, कॉन्वल्यूशन अप्लाई करनी है, उसका फिल्टर कितना बड़ा हो, 5x5 का हो, कितने का हो, ठीक है, मैट्रिक्स, और उसकी बेस के ऊपर देन फाइनली आपको आउटपुट मिल रहा होता है। ये मैं बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इसकी अगर कैलकुलेशन देखी जाए, उसमें मैथमेटिक्स के लिहाज से चेन रूल जो डिफ्रेंशिएशन का है वो अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, हर लेयर पे, और उसकी बेस के ऊपर फिर आगे लेयर पे डेटा पास होता है, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा जो रेड बॉक्स है बेसिकली ये फीचर एक्सट्रैक्शन का काम है, और ये जो आखिरी लेयर है ये बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन का काम कर रही है, ठीक है। जो चीज उसे चाहिए ना बेसिकली, ये 60 चाहिए उसको, 60 में भी इसको 60 आइडेंटिफाई करना है, तो वो ब्रेक डाउन करते 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 उस 60 पे लाके उसको फिर आपने कर लिया। तो आपका एल्गोरिथम ये सारा काम खुद फिर लर्न कर रहा है। आपने उस लेयर्स स्पेसिफाई कर दी, उस लेयर्स के बाद आपने आपका एल्गोरिथम ये लर्न कर रहा है कि ये बेसिकली इस पे 60 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ऐसे यही है, ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन भी इसीलिए इसको कहा जाता है कि लेयर 1 पे कुछ लर्न किया फेसेस का मिसाल के तौर पे, लेयर 2 पे फेसेस, आईज, नोज, अलग अलग फेस के पार्ट्स को लर्न कर लिया, थर्ड पे पूरे फेस को लर्न करना स्टार्ट कर दिया कि ये मेल का फेस है, ये फीमेल का फेस है, इस तरीके से। ये न्यूरल नेटवर्क्स की कुछ वो है। परसेप्ट्रॉन मॉडल है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वो है। Thank you.
और भी टाइप्स दिखाएगा। और ये नेक्स्ट वीडियो है, ये बेसिकली अभी करेंटली एआई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को यूज करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, ये उसकी एक डिपिक्शन है छोटी सी। It all begins from a single origin, a unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机? Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words. Xavier is now present. Helping the visually impaired recognize an old friend or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. इतनी काफी It all... तो स्टिल अगर प्लेटफॉर्म्स के लिहाज से देखा जाए तो डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट चीजों के लिहाज से, ठीक है। रोबोटिक्स में काम हो रहा है, बहुत हो रहा है, एनएडी भी काम कर रही है इस पे, और अभी आप भी करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। लैंग्वेजेस टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस पाइथन और आर है, वैसे जावा सी शार्प नोट जेएस वगैरह भी थोड़ा बहुत काम हो सकता है मशीन लर्निंग का, ज्यादा काम लेकिन आर और पाइथन के अंदर होता है, जावा के अंदर भी होता है। डेटा के प्लेटफॉर्म्स जो है डेटा हैंडलिंग के, वो एसक्यूएल सर्वर, स्पार्क, डिफरेंट मोंगोडीबी, हडूप वगैरह सब एग्जिस्ट करते हैं। एमएल के टूल्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो एनाकोंडा है, H2OI है, टेंसरफ्लो है, XGBoost है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और सारे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स आपके जुपिटर नोटबुक, जिसको हम नेक्स्ट टाइम यूज भी करेंगे, और भी बहुत सारे और भी हैं, अब तो इसके अलावा भी बहुत सारे आ गए, ठीक है। स्टिल देयर आर टेक्नोलॉजीज थ्रू व्हिच यू कैन वर्क ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड मेक योर वेरी ओन सिस्टम्स, ठीक है। जो मशहूर टूल किट्स हैं वो यही हैं, पाइथन, फ्लास्क, जेंगो, ये सारी पाइथन की हैं। ये डेटा साइंस डीप लर्निंग की है, पायटॉर्च, केरस, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, ऑरेंज, स्पार्क, सीएनटी के, आर, एमएक्स नेट एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, ठीक है, तो यहाँ तक ही हम रखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग दो एल्गोरिथम्स हैं उनको इंशाल्लाह देखेंगे, और उसकी उनको बेसिकली अंडरस्टैंड करके उनकी मैथमेटिक्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी साथ देखेंगे। अटेंडेंस मुझे दे दीजिए, यहीं पे आज एंड करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
अच्छा, लास्ट में मैंने कहा था, पूछा था आपसे कि मैं पूछूंगा कि क्या मशीन्स वो काम लर्न कर सकती हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर सकती हैं या नहीं। तो अब आप उसका आंसर क्या देंगे? चलो, उस वक्त तो शायद अनसर्टेनिटी, अब तो काफी एग्जांपल्स देख ली। मैंने ये कहा कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन किया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या हम मशीन्स के थ्रू करा मशीन्स को करवा सकते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग कहती है। तो डेट इज इट पॉसिबल और नॉट, डेट इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगेन, अभी तक डोमेन स्पेसिफिक ही है। हर प्रॉब्लम या जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर अभी भी नहीं बना। तो डेट इज बेसिकली द फ्यूचर टारगेट्स, जो कि होगा एजीआई अगर अचीव हो जाए तो। एजीएन नहीं, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, मेरे ख्याल से सबने अटेंडेंस दे दी है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दो एल्गोरिथम्स को देख लें, और उसके बाद फिर आप लोगों की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और मेक श्योर कि आप लोग अपनी जो रिपोर्ट्स हैं माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, उसको बेसिकली वो कर लें। एजीआई से थोड़ा काम है, एजीआई से क्या काम आ गया तुम्हें उसके लिए, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, वो देखते हैं, लेट्स सी। कोड वाली हेल्प जो चाहिए वो मुश्किल है, बाकी चीजें देख ले, बाकी कोई चीजें तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्लाइड्स एलएमएस पे शेयर कर दूंगा, बिल्कुल एलएमएस पे शेयर करूंगा, बिल्कुल। ठीक है, और किसी ने पूछा था कि स्लाइड्स में वीडियो कैसे अटैच होती है, तो उसमें सिंपल तरीका है कि पावर पॉइंट के अंदर ऑप्शन होता है अटैच फाइल का, तो उसमें वीडियो फाइल भी अटैच कर सकते हैं आप, तो उससे अटैच हो जाती है। ठीक है, उसकी सेटिंग आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगी उसके साथ। ठीक है, चले, ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।